गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट सब्जेक्ट इज ग्रामर एंड एंडम आर वैन यू है सेंटेंस एंड सिंगुलर एंड प्रुरल फॉर्म ओके जब भी कोई सेंटेंस फर्स्ट थिंग जब भी आई हो आई के साथ ऑलवेज क्या यूज होगा एम यू हैव टू यूज एम विथ आई जब भी हम खुद आई के बारे में बोलते हैं भाई यू आपने, आपने माई सेल्फ लिखा होगा ना आई एम ए बॉय आई एम ए गर्ल आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड आई एम सिक्स आई एम आई स्टडी इन सीनियर के जी तो आई के साथ ऑलवेज एम यूज होगा क्या यूज होगा एम और इज आपको कब यूज करना है जब सेंटेंस सिंगुलर हो तो आपको ईज यूज करना है कब यूज करना है जब भी सेंटेंस सिंगुलर हो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज इज एंड वैन द सेंटेंस इज इज़ इन पुरल फॉर्म यू हैव टू यूज आर जब भी सेंटेंस प्रुरल फॉर्म में हो पुरल फॉर्म मीन्स एक से ज़्यादा मोर देन वन एंड सिंगुलर मीन्स नॉ सिंगल मीन्स वन ओनली वैन यू आर टू ऑफ फ्रेंड्स एट द टाइम यू हैव टू यूज आर जब भी हम दो फ्रेंड होंगे तो हम उस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे आर जब भी कोई सेंटेंस कोई भी चीज़ हमारे पास एक होगा या एक हो कोई भी हम सिंगल है या कोई भी चीज़ हमारे पास एक है कोई भी एक सिंगल है तो हम क्या यूज करेंगे इज ओके नौ सी I am a good teacher. देखो के साथ क्या क्या किया किया यानी कि वो टीचर है, टीचर है तो क्या किया? Is. The students are attentive. यहाँ पे कितने स्टूडेंट है वन टू थ्री सो मोर देन थ्री मोर देन वन ना एक से ज्यादा है तो हमें क्या यूज करना है आर ओके okay, समझ में आया एम यूज करेंगे हम जब आई होगा तब सिंक्यू इज हम यूज करेंगे सिंगुलर सेंटेंस में और आर यूज हम करेंगे प्रुरल सेंटेंस में बस आपको सेंटेंस रीड करना है और आपको देखना है या है इफ अ सेंटेंस इज इन सिंगुलर फॉर्म यू हैव टू यूज इज इफ अ सेंटेंस इज प्रल फॉर्म यू हैव टू यूज आर द वर्ड एम इज एंड आर आर वर्ब्स हम इसे क्या बोलते हैं वर्ब्स बोलते हैं दिस वर्ड अस व्हाट अ पर्सन एनिमल और थिंग इज यानी कि पर्सन एनिमल और थिंग क्या है आई एम एम हैप्पी आई हम आई एम हर ब्रदर देखो आई के साथ ऑलवेज क्या यूज किया एम वीना इज अ स्टूडेंट सी इज अ डॉक्टर दिस इज माई क्लास रूम ही इज इन द लाइब्रेरी इट इज अ बुक देर इज अ बटरफ्लाई इन धिस इन धिस रूम ये सारे सिंगुलर सेंटेंस है तो हमने क्या यूज़ किया इज 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 ओके और एक वन थिंग और चीज आपको ध्यान रखना है जब टी एच आई एस धीस होगा ना तो इस धीस के साथ आपको यूज करना है और जब टी एच ई एस ई हो ना तो आपको क्या यूज करना है ए आर ई आर टी एच आई एस धीस सिंगुलर सेंटेंस में यूज होता है और टी एच ई एस ई धीस में यूज होता है सी वी आर प्लेयर्स ये लोग बहुत सारे हैं ना सो क्या यूज किया ए आर ई आर दे आर फ्रेंड्स नॉट ए फ्रेंड इट्स किया हमने आर धीस एक बुक नहीं बुक है उसकी बहुत सारी मतलब मेरा और टी एच आई एस नहीं है टी एच ई एस सी है तो हमने क्या यूज किया आर देर आर थ्री बुक्स ऑन द टेबल टेबल पे एक से ज्यादा बुक है तो हमने क्या यूज किया आर ओके okay? जबी भी सेंटेंस रूरल फॉर्म में हो सो एट ए टाइम यू हैर

तो हम क्या यूज करेंगे आर दी स्टूडेंट्स आर नॉट इन यूनिफॉर्म उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है फिफ्थ वन विशाल विशाल एंड एंड हितेन हितेन इन द लाइब्रेरी दो फ्रेंड है है एक से ज्यादा ये सेंटेंस तो हम क्या यूज करेंगे आर इज और आर में से हम क्या यूज करेंगे आर वी अपने बहुत सारे होते तो क्या बोलते हैं वी तो वी के साथ ऑलवेज क्या यूज होता है आर यू हैव टू यूज आर विथ वी ऑलवेज ओके We are very happy to meet you. Seventh one. T H I S this. जब भी ये धीस हो तो यू है मंकी ऑन द ट्री अब यहां पे मंकी ऑन ऑन द ट्री एक ही सॉरी इसमें आर नहीं आएगा यू हैव टू यूज इज देर इज अ मंकी ऑन द ट्री

सेकेंड वन देखो टी एच ई एस बुक्स बहुत सारे बुक्स है पढ़ना थर्ड वन माथुर एक ही टीचर का नाम है तो क्या आएगा सिंगुलर सेंटेंस है तो आपको क्या लिखना है इज फोर्थ वन आई डैश हैप्पी टू सी यू अगेन मैंने क्या कहा था आपको आई के साथ ऑलवेज आपको क्या यूज करना है एम

वरुण एंड मोहन टू फ्रेंड्स दो जन की बात करी वरुण एंड मोहन आर इन क्लास रूम टू यूज वी जब भी हो, तो आपको क्या यूज करना है यानी कि हम सब स्कूल के लिए लेट हो गए आई के साथ क्या यूज होता है आई एम आई एम ए गुड आर्टिस्ट लेट्स रिवाइज एम इज आर आर वर्बल एनिमल एंड थिंग्स आर यानी कि जो भी पर्सन है एनिमल्स थिंग्स है वो क्या है इज है एम आर यानी कि वो लोग अकेले हैं सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर है कि प्यूरल है वो हमें बताता है ओके इन दिस वे यू हैव टू राइट चैप्टर नंबर सिक्सटीन इन योर ग्रामर व बुक थैंक यू स्टूडेंट्स